हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विजन आयस मंथली कंपाइलेशन सीरीज ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो लेट्स बिगिन द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज़ फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन ओके पॉलिटी सेक्शन से यहाँ पर आज पाँच न्यूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे एंड विथ इन पीरियड ऑफ टाइम आई विल अपलोड द वीडियोज रिगार्डिंग द अदर सेक्शन सो आज जो है हमारा डिस्कशन रहेगा वो मेनली फोकस पॉलिटी सेक्शन में रहेगा एंड पॉलिटी के पाँच न्यूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहला न्यूज़ है हम जानेंगे रिगार्डिंग जुडिशियल एक्टिविज़म एंड जुडिशियल ओवर रिच के बारे में उसके बाद एन जी ओ का रोल क्या है इंडिया में एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनी ठीक है तो जितने भी बिग टेक कंपनीज हैं उनका रेगुलेशन किस तरीके से होता है एंड येस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर दैट इज़ रिगार्डिंग द इंटरनेट शट डाउन सो इंटरनेट शटडाउन का काफ़ी ज़्यादा जो इशू है वो ट्रेंडिंग में था न्यूज़ में एंड दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इट राइट नाउ हियर एंड द लास्ट वन इज़ विसल ब्लोइंग सो दिस आर द फाइव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम जनवरी मंथ फ्रॉम विजन आयस मंथली कंपाइलेशन सो लेट्स बिगेन अवर टूडेज डिस्कशन एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टी फॉर द न्यू अपडेट सो लेट्स बिगिन सो सबसे पहला न्यूज़ है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवर रीच के बारे में तो न्यूज़ में क्यों था तो जो द एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थ्री फॉर्म बिल वॉज सीन बाई मीनी एज ऑफ अ जुडिशियल एक्टिविज्म और अ ओवर रिच ठीक है तो जैसे हम जानते हैं हमारे जो थ्री कॉन्ट्रोवर्सी फार्म बिल्स आए हैं ठीक है थीके? तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है फार्मर का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था फार्मर्स वेयर प्रोटेस्टिंग अगेनेस्ट दिस एंड सो so, एक जो है काफ़ी ज़्यादा टॉक्स होने के बाद भी जो है एक प्रॉपर कंक्लूजन पर कोई नहीं आ रहा था एंड दस सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस बिल बिल पर स्टे लाया है एंड दस ये जो बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू करते हुए स्टे लाया है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है पर्सन जो है ठीक है काफ़ी ज़्यादा जो पीपल्स के व्यू है कि ये कहीं ना कहीं एक एक्ट है ऑफ अ जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रिच नाउ क्वेश्चन आ रईज़ कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रिच क्या होता है सो रिगार्डिंग द जुडिशियल एक्टिविज्म तो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में अगर देखा जाए तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ अ जुडिशली फिलोसॉफी दैट मोटिवेट जज टू डिपार्ट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट इन फेवर ऑफ अ प्रोसेसिंग एंड अ न्यू सोशल पॉलिसीज़ जुडिशल एक्टिविज़म इज़ मैनिफेस्टेड वेन द सुप्रीम कोर्ट बिकम एन एक्टिविस्ट एंड कंपाइल द अथोरिटी टू एक्ट एंडसो डायरेक्ट द गवर्मेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है तो जुडिशल एक्टिविज़म के टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद ही एक एक्टिविस्ट के टाइप जो है वो रोल प्ले करती है वो कुछ ना कुछ जो डरेक्शन है ठीक है जैसे हम जानते हैं सेपरेशन ऑफ अ पावर से हमारे यहाँ पे ठीक है सेपरेशन ऑफ अ पावर दैट इज़ एक्जी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ठीक है तीनों को कुछ अपने वर्क जो है असाइन किए गए हैं ठीक है सो देर इज़ अ स्टिक प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं आप सेपरेशन ऑफ अ पावर तो उसके अकॉर्डिंग नो वन शुल इंटरफेयर इन अदर प्रोसीडिंग ठीक है तो कुछ जो है कुछ एक्सेप्शनल है कि जहाँ पे हम कुछ इंटरव्यून कर सकते हैं बट मेजरली जो है सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है हम वो फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जुडिशल एक्टिविज्म का जब केस आता है तो समाइम जो सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है ठीक है तो वो कुछ डायरेक्ट direct, डायरेक्शंस uh, देते हैं दे यूज टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आल्सो अलोंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है government, government तो ये, इस टाइप का जो सिनारियो होता है हम उसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ अ जुडिशल एक्टिविज्म क्या क्या इंक्लूड करता है तो सबसे पहला है कि डायरेक्टिंग द सेंटर टू क्रिएट अ न्यू पॉलिसी टू हैंडल द ड्रॉट द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट करना सेंटर को कि वो सेटअप करे एक बैड लोन पैनल एंड रिफॉर्म करे रिफॉर्मिंग अ बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ अ क्रिकेट इन इंडिया अ प्राइवेट बॉडी सो दिस आर द फ्यू इंस्टेंसेस जो हाफ़ी जुडिशियल एक्टिविज्म का जो केस है वो दिखाई दिया बाय द सुप्रीम कोर्ट नाउ रिगार्डिंग द जुडिशल ओवर रिच सो जुडिशल ओवर रिच क्या है तो देर इज अ थीन लाइन बिटवीन द एक्टिविज्म एंड ओवर रिच ठीक है तो काफ़ी एक थीन लाइन है ठीक है काफी मतलब इट मीन्स ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस इज देयर बिटवीन द एक्टिविज्म एंड द ओवरिच ऑफ द जुडिशरी सो जुडिशरी ओवर रिच जो होता है वो रेफर करता है टू एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अर वेयर आर्बिटरी एंड अन रिजनेबल इंटरवेंशन जो है जुडिशरी करता है इन द डोमेन ऑफ अ लेजिस्लेचर हो या इन द डोमेन ऑफ अ एग्जीक्यूटिव हो एंड इस टाइप की जो सिचुएशन होती है वे आर द कोर्ट इंक्रोच अपॉन द रोल ऑफ अ लेस्लेटि बाय मेकिंग द लॉ इंस्टेड ऑफ़ अ जुडिशियल ओवर जो है वो कुछ इंस्टेंट अभी अगर देखा जाए को क्या क्या रिसेंटली हुआ है तो सबसे पहले अभी जैसे हमने बोला कि फार्म बिल पे स्टे ठीक है तो वहाँ पे उनकी नीड नहीं थी ऐसा काफ़ी का कहना है फिर भी उन्होंने वहाँ पे जो है स्टे लाया है सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ जुडिशल ओवर रिच एंड अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे और कुछ दो पॉइंट्स मैंशन है दैट इज़ डिनाइंग द एग्जीक्यूटिव एनी रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज बाई इंस्टीट्यूटिंग कॉलेजियम ठीक है ये एक पॉइंट हो गया एंड इन वैलिडिंग द नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन एक्ट ट्वेंटी फोर्टीन सीकिंग टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटिबिलिटी हाई जुडिशरीज सो दिस आर द फ्यू इंस्टेंट्स ऑफ अ जुडिशियल ओवर रिच बाय द सुप्रीम कोर्ट सो दिस इज रिगार्डिंग द जुडिशियल ओवर रिच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म और यहाँ पे हम देख सकते हैं जस्ट यस जैस मैंने अभी जैसे बोला था कि देर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्टर एंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हम फॉलो करते हैं दैट इज देर इज अ थ्री मेन बॉडीज दैट इज़ लेजस्लेटिव ठीक है जो मेनली पावर होता है उनको कि वो बनाएँ नए लॉज को या कुछ जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें कुछ चेंजेस नाए नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जहाँ पे पावर होता है टू पुट द लॉज इंटू द एक्शन ठीक है एग्जीक्यूट करते हैं जो भी लॉ लेजिस्टिव बनाता है एंड फर्दर द थर्ड वन इज द जुडिशियरी ठीक है द पावर ऑफ अ जुडिशियरी इज टू मेक द जजमेंट ऑन द पर्टिकुलर लॉ सो दिस इज रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ पावर सो यहाँ पे एक फिगर दिया है आप इस फिगर को आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो सो प्लीज़ डू थर्थ दिस फिगर सो सेपरेशन ऑफ पावर को इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है ठीक है द ईच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन कैन चेक द ऑर्डर एंड नेक्स्ट एप्सुलट ऑप्सिलिट एंड रिजिट सेपरेशन ऑफ पावर डज नॉट एक्सिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सर्टन आर्टिकल्स दिए हैं टूअर्ड्स द सेपरेशन ऑफ अ पावर जैसे मैंने पहले ही बोला कि कुछ सेपरेशन ऑफ पावर जो है एब्सुलुटली ये नहीं होता है ठीक है एब्सुलुट नहीं दिखाई देता एक रिजिट नहीं है बट स्टिल देर आर फ्यू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो यहाँ पे मैंशन किए हैं रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ पावर सो वॉट आर दिस आर्टिकल तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर फिफ्टी जो फिफ्टी दैट इज डी एस डी पी एस पी का है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो टू सेपरेट द जुडिशरी फ्राम द एक्टिव द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी वन जो पावर देता है प्रेसिडेंट को एंडर सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर आर्टिकल नंबर हंड्रेड एंड फाइव एंड नाइन नाइनटी फोर

फॉर्म है ठीक है इट वॉज ऑल्सो मैंशन इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द केशवानंद भारती केस एंड अंग विथ दिस जैसे मैंने बोला डायरेक्ट एब्सुलिट और रिजिड नहीं है तो कुछ ना कुछ पावर जो है ओवरलैप करते हैं तीनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो वो जो ठीक है तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो ओवरलैप ऑफ द पावर एंड द रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन द थ्री ऑर्गन ऑफ द स्टेट मैनिफेस्टेड इन आर्टिकल नंबर थर्टीन जो जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर थर्टी टू एंड टू टू सिक्स राइट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज एंड नेक्स्ट वन इज आर्टिकल नंबर वन फोर्टी टू दैट इज एक्सट्रॉर्डिनरी पावर टू अवर सुप्रीम कोर्ट टू डू द कंप्लीट जस्टिस सो दिस इज रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ अ पावर नाउ

एक्सेप्ट द अफेक्टेड पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द लीगल रेमेडी ठीक है तो जिस पर्सन को कुछ इफेक्ट हुआ हो कि उसको छोड़ मतलब नो वन एक्सेप्ट द अफेक्टेड पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट वो कॉन्सेप्ट है लोकल स्टैंडिंग का पर जब से ही कंस्टिट्यूशन जब से हमारा जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दट इसल का है टेकन अवे द डॉक्टर एंड ऑफ लोकल स्टैंडिंग पी आई एल परमिट करता है किसी भी पर्सन को ऑफ द सोसाइटी कि वो फाइल करे फॉर अप्रोप्रियट डिरेक्शन अगेनेस्ट एनी टाइप ऑफ इनजस्टिस इफ दे हैव सीन एंड दिस समेयर रिजल्ट करता है कि जो डिमांड है ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद पी आई एल इंट्रोड्यूस करता है न्यू डायमेंशन ऑफ जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो दिस इज रिगार्डिंग द सेकेंड कॉज एंड द थर्ड वन इज अप्रोच ऑफ अदर ऑर्कन ठीक है तो लैक फंक्शनिंग ऑफ द एंड एग्जीक्यूटिव में रिजल्ट इन टू द करप्शन डीली नॉन रिप्रेजेंटेटिव और इन इफिशियंसी ऑफ द गवर्नस एंड दस दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम देखा जाए तो एग्जाम्पल इसके केस में ऐसे, अगर कंसिडर किया जाए तो नाइनटीन नाइनटी सेवन में जो विशा का गाइडलाइंस आए थे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ अ वमन ऑन द वर्क प्लेस वेयर टू आउटपुट ऑन

हाउ एवर इन बीनी केसेस जुडिशली ने काफी ज्यादा उनका एक्सेस पावर यूज़ किया है विच कैन नेवर बी ट्रीटेड एज अ जुडिशियल एजुडिकेशन एंड इवन विथ इन द नॉर्म बॉर्ड ऑफ अ जुडिशियल एक्टिविज़न एंड सी सच टाइप ऑफ केसेस जो है सच जुडिशियल ओवर रीच कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंसेंसेज अराइज कर रहे हैं तो सबसे पहला कंसर्स यहाँ पे मैंशन किया है दैट इज रिगार्डिंग द अंडर माइनिंग द डॉक्टर एन ऑफ अ सेपरेशन ऑफ अ पावर तो तीनों ऑर्गन्स को सेपरेशन ऑफ अ पावर के डॉक्टर एन में रखा है तो ऑब्वियसली दिस शिल नॉट एंड बट कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवर के होने की वजह से एक मेजर कंसर्न जो है हमारे डॉक्टर इनको हार्म करते हुए दिखाई देता है डेट इज डॉक्टर एंड ऑफ अ सेपरेशन ऑफ अ पावर नेक्स्ट वन इज नेग्लीजेंस ऑफ द चैलेंज फेस बाय द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव द वर्क ऑफ ए लेजिस्लेटिव एंड एक्जीक्यूटिव जो है एक चैलेंजिंग वन होता है एंड दिस इज बिकॉज उनका जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है ऑन द फोर एफ अभी फोर एफ कौन से कौन से दैट इज़ अ फंड फंक्शन फ्रेम एंड अ फंक्शनरीज एंड जो जुडिशरी होती है पास करती है कुछ इस तरीके के ऑर्डर विदाउट कीपिंग इन द माइंड द फोर फंक्शन दैट इज़ फोर एफ रिगार्डिंग द फंड फंक्शन फ्रेमवर्क एंड द फंक्शनरीज एंड सच ऑर्डर कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है टू द इकोनॉमी एंड इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जो लास्ट टाइम उन्होंने कैंसल किया था रिगार्डिंग द कोल ब्लॉक अलोकेशन स्पेक्ट्रम अलोकेशन तो उसका मेजर लॉस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उस टाइम पे कंट्री के दिखाई दिया था एंड नेक्स्ट वन इज कंसर्न इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ जुडिशरी तो जुडिशरी जो है एज अ इंस्टीट्यूशन इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल इन द सेम वे जैसा लेजिस्टिव और एग्जीक्यूटिव होते हैं एंड फर दस हम बोल सकते हैं कि जुडिशियरी जो है ऑल्सो एज अ पावर कि वो पनिश करे फॉर द कंटेम ऑफ द कोर्ट एंड

सॉरी जुडिशियल रेस्टिंग एंड जो जुडिशरी हैं उनको दे मस्ट देयर फॉर एक्सरसाइज सेल्फ रेजिडेंट एंड द टू एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर जुडिशियल एक्टिविज्म इज अप्रोप्रिएट व्हेन द डोमेन ऑफ अ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल रिव्यू एंड हावेवर इट डज नॉट नॉट बी अम नॉट शुड बी इट रिजल्ट इन टू द जुडिशल रीच ठीक है तो जुडिशियल एक्टिविज्म उसके एक 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 एक्सट्रीम पॉइंट तक ही सीमित रहना चाहिए ठीक है रिगार्डिंग द जुडिशियल रिव्यू तक ही उसको जुडिशियल ओवर रिच ना होने दे दिस इज़ द वे आई हेड गिवन इन दिस न्यूज़ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज रेगुलेशन ऑफ एन जी ओज इन इंडिया तो जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने टाइटन कर दिए ओवर साइड ऑफ अ फंड जो रिसीव करते थे बाय द एन जी ओज अभी इसके बारे में न्यूज़ में और क्या था तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उन्होंने दे हैव लीड डाउन सेवरल गाइडलाइंस उन्होंने लाए हैं एंड द है चार्टर टू मेक अ एन जी ओ एंड अ बैंक कंप्लाइंग न्यू प्रोविजन जो लाए गए हैं ऑफ अमेंडेड फॉरिन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ट्वेंटी टेन एफ सी आर एंड चार्टर ऑफ द बैंक है सेज दैट जो डोनेशन रिसीव होता है इन द इंडियन रुपीज बाय द एन जी ओ फ्राम एनी फॉरन सोर्सेज इवन दैट द सोर्स इज लोकेटेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ सच डोनेशन सच uh, जो कॉन्ट्रीब्यूशन को रिसीव होता है उस तक पर्टिकुलर एन को उनको ट्रीट किया जाएगा एज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो इट्स स्टेट दैट जो भी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है विच हैज़ बीन रिसीव्ड ओनली है जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है ठीक है सॉरी जस्ट अ मैंने जो फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है उन सबको जो है उनको रिसीव करना पड़ेगा ओनली थ्रू द बैंक चैनल ठीक है एंड किसी भी तरीके का अगर वॉयेशन दिखाई दिया तो एन जी जो है और एनी बैंक में इन्वाइट अ पेनल प्रोविजन ऑफ अ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ट्वेंटी टेन ठीक है तो ओनली बैंक अकाउंट बैंकिंग चैनल थ्रू ही उनका जो फंड है वो रिसीव किया जाएगा सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो न्यूज़ में था अभी एनश्योर उसका इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो एन जी ओ अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट परस्यू एक्टिविटी टू रिलीफ सफरिंग प्रोमोट करता है इंटरेस्ट ऑफ अ पुअर प्रोटेक्ट करता है इन्वॉर्मेंट को प्रोवाइड करता है बेसिक सर्विसेज एंड अंडरटेक करता है कुछ एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग द कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते हैं बट उनको लीगली रजिस्टर्ड किया जाता है एंड दे आर लीगल उनका एक स्टेटस होता है एज uh, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए uh, जो भी ट्रस्ट सोसाइटीज़ होती है या प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनीज कंस्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो बैक करते हैं विद द एन तो आर्टिकल नंबर नाइनटीन क्लॉज वन जो अलाउ करता है पर्सन को कि वो फॉर्म कर सकते हैं किसी भी टाइप का एसोसिएशन एंड आर्टिकल नंबर फोर्टी थ्री वो भी प्रमोट करता है ठीक है टू फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द रूरल एरिया एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है दैट इज मेंशन इन द शेड्यूल सेवन ठीक है शेड्यूल सेवन जो है उसमें तीन टाइप के लिस्ट मेंशन है ठीक है दैट इज़ अ सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड अ कॉन्करेंट लिस्ट तो उनमें से जो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है उसमें मैंशन किया गया है चार्टेबल इंस्टीट्यूशन चार्टेबल एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सो दिस आर द फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट जो एन जी ओ रिलेटेड मैंशन है अब यहाँ पे अगर देखा जाए एन जी ओ का रोल यहाँ पे एक बहुत अच्छे फिगर से दिखाई दिया है दिखाया है सो रोल ऑफ एन जी ओ तो सबसे पहला यहाँ पे है कि मॉनिटरिंग एंड एवॉलीट करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन को कंस्ट्रक्ट करता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ठीक है रिजोल्यूशन लाइक इन द इंटरनेशनल एरेना ट्रैक सेकेंड डिप्लोमेसी ब्रॉडन द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल एंड एन्वायॉर्मेंटल डेवलपमेंट ठीक है इन चारों फ्रंट में मेनली जो एन जी ओज है उसका रोल ज़्यादातर दिखाई देता है अभी नीट क्या है इस तरह हमारे जो एन जी ओज होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है तो उनको उनको रन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे जो ज़्यादा वर्क करते हैं तो उनको रेगुलेट करने की क्या नीड है तो सबसे पहला है उनको जो फॉरन फंडस मिलते हैं ठीक है थीके? उस पर चेक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि, कि किसी भी टाइप का जो मिसयूज है वो रजिस्ट वो दिखाई ना दे ठीक है गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू चेक द मिस यूज ऑफ अ फॉरन फंडिंग बिकॉज इफ अनचेक वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है कंट्री के सॉवर्निटी को और फॉरन मनी जो है कैन बी यूज एज ए इन्फ्लुएंस पॉलिसी एंड एंड पोलिटिकल डिसक्लोज इन इन अ इंडिया एंड सेकेंड वन इज नॉन कम्पलायस टू लेस देन टेन परसेंट जो एन जी ओज हैव कंपाइल्ड विद द रूल्स एंड मोर देन नाइन्टी परसेंट जो है उन्होंने उनकी जो बैलेंस शीट है उसको सबमि नहीं किया है एंड दे आर सपोज टू सबमिट द स्टेटमेंट विद द रजिस्टर ऑफ अटी बट दे डिट डिन सो एंड थर्ड फैक्टर इज हैिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट एन जी ओज जो है सच एज ए ग्रीन पीस कोड एंड एंड एनिमेस्टी आर सर्विंग एज अ टूल ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट टू द वेस्टर्न गवर्नमेंट दे आर ऑल्सो अक्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एगिटेशन ठीक है तो उन पे काफ़ी ज़्यादा जो है एलिगेशन आए हैं दे हैव बीन अक्यूज दैट वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करते हैं एगिटेशन एंड दस जो है इसका जो परिणाम है वो कंट्री के जीडीपी पे हो सकता है दिस इज़ वन ऑफ द फाइंडिंग जो पता चली है अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट नेक्स्ट वन इज रिलीजियस एंड अ कल्चरल इंक्रोचमेंट तो एन जो है आर ऑफन सीन एज इंक्रोचिंग ऑन अ ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ अ पीपल एंड एज वेल एज मिस करते हैं उनका इन्फ्लुएंस टू सेल अ फॉरन नरेटिव एंड पुश करते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट एंड प्रमोट करते हैं रिलीजियस कन्वर्जन सो दिस आर द फ्यू पॉइंट कि जिसके वजह से हमें एन जो है उसको रेगुलेट करने की नीड है कुछ प्रोविजन देखे जाए रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ एन जी ओज इन इंडिया तो सबसे पहला प्रोविजन है जो मैंशन किया गया है फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी में देर आर सर्टन एन जी ओज दे आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड कंटिन्यू करते हैं टू डिस्पर्स अ फॉरन फंड टू द वेरियस ऑर्गेनाइज एसोसिएशन इन इंडिया इस एक्ट में मैंशन किया गया है ठीक है इस एक्ट में जो भी पॉइंट्स है वो सारा रेगुलेट किया जाता है द मिनिस्टर ऑफ़ फाइनेंस एंड वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि वो कंसोलिडेट करेंगे एंड अमेंड करेंगे इस लॉ को रिगा रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज विद एन ऑब्जेक्टिव कि वो कहीं ना कहीं हेल्प uh, करे टू फैसिलिटिंग द एक्सटर्नल ट्रेड एज वेल एज अ पेमेंट हाउ सेपरेट लॉ लाया गया था बाद में ठीक है फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट दो हज़ार दस में विच हेज़ इनेक्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कि वो मैनेज करे फॉरन जो फंडस आते हैं एन जी ओज को मिलने वाले फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट दो हज़ार दस जो है ठीक है वो सारा जो फॉरन फंडिंग uh, होती है ऑफ अ वॉल्टियर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया उसको रेगुलेट किया जाता है इसमें कंसोलीडेट किया गया है द लॉ टू रेगुलेट द एक्स एक्सपेक्टेंस एंड यूटिलाइज करता है फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द इंडिविजुअल एसोसिएशन जो न्यू रूल्स है अंडर दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 में वहाँ पे कुछ प्रोविजन लाए गए हैं रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ एन जी तो इस प्रोविजन को अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कि प्रोहिबिट करता है ट्रांसफर ऑफ अ फंड फ्रॉम एक वन एन टू ओ टू अनादर डिक्रीज कर दिया गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस होते हैं थ्रू द फॉरन फंड जो फिफ्टी परसेंट था उसको बीस परसेंट तक किया गया है एंड जो आधार जो है उसको मैडिटरी कर दिया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन वाइल इन केस ऑफ अ फॉरेनर उनको जो है उनकी कॉपी देनी पड़ेगी ऑफ अ पासपोर्ट और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रिसीव किए जाते हैं ओनली इन द अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय द बैंक एफसीआरए अकाउंट में ही रिसीव किए जाएंगे सच uh, जो है अकाउंट uh, जैसे एस बी आई हो गया ठीक है इन सच ब्रांच ऑफ एस बी आई इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट वन इज इंसर्शन ऑफ अ रूल नंबर नाइन विच डील्स विद द ऑपटेनिंग रजिस्ट्रेशन और द प्रायर परमिशन टू रिसीव अ फॉरन फंड ठीक है तो प्रायर परमिशन और ऑप्टेनिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ठीक है टू डील विद द फॉरेन फंड एंड स्टॉप यूटिलाइजेशन ऑफ अ फॉरेन फंड थ्रू इंक्वायरी नेक्स्ट इज एक्रीडेशन के बारे में भी एक पॉइंट मेंशन है कि जो नीति आयोग है उन्होंने अपॉइंट किया है एक नोडल एजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ अ रजिस्ट्रेशन एंड एक्रीडेशन ऑफ द एन सीकिंग फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे शॉप एंड इस्टब्लिशमेंट एक्ट जो नाइनटीन का था जो 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 एन रजिस्टर अंडर दिस बॉम्बे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट उनको एक मिनिमम विजेस पे करने पड़ेंगे टू देयर एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट टू द ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लज़ज को उनको मिनिमम वेजेस पे करने करेंगे इन रिस्पेक्ट कितना स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयमेंट का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर में एन जो है रिसीविंग सब्सटेंशियल फाइनेंशिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इज बाउंड टू क्यू द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सो दिस आर द फ्यू रेगुलेशन जो इंडियाज में है रिगार्डिंग रेगुलेशन रिगार्डिंग रेगुलेटिंग द एन कुछ इश्यूज़ जो दिखाई देते हैं जो एन को फेस करने पड़ते हैं तो सबसे पहला इशू है लैक ऑफ फंडिंग एक्सेसिबिलिटी ठीक है विद द न्यू रोल मेनी एन जो है विल विल नॉट एबल टू रिसीव द फॉरन फंड बिकॉज द स्कीम जो है अंडर विच वो फंड रिसीव करते थे फ्रॉम द डोनर एजेंसी और द लार्जेस्ट एन जी ओ नोन एज अ हैज बीन बैंड नेक्स्ट वन इज ओवर डिपेंडेंस जो है ऑन अ फंड फ्रॉम अ गवर्नमेंट डाइल्यूट कर सकता है विलिंगनेस ऑफ अ एन जी ओ टू स्पीक आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट नेक्स्ट इज अ रेस्ट्रिक्शन टू एक्सप्लोर जो अमाउंट ऑफ एन जी ओज है जो स्पेंड करते हैं ऑन एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी कट किया गया है फिफ्टी टू ट्वेंटी परसेंट तो वो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये होता है कि जो एन जी ओज है स्मॉलर एन जी ओज वो कहीं ना कहीं एबल नहीं रहेंगे कि वो एम्प्लॉय करें इनफ स्टाफ और हायर करें कुछ एक्सपर्ट्स को नेक्स्ट वन इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन एंड अ डिस्टेंस विद अ न्यू रूल जो एफ आर एफ सी आर ए है एंड एक्ट uh, जो है एफ सी आर एक्ट जो है एन जी ओज का न्यू अकाउंट विद दिल्ली बैंक ऑफ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच कु अ थाउजेंड किलोमीटर अवे फ्रॉम द एन जी ओज एंड इंक्रीज कर सकता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट हेम्पर इंग द डिलीवरी ऑफ अ सोशल वेलफेयर स्कीम ड्यू टू द ओवर रेगुलेशन जो भी न्यू ट्वेंटी ट्वेंटी के एक्ट में मैंशन किए गए तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है सोशल वेलफेयर स्कीम की डिलीवरी को एक्रेडेशन ऑफ एन जी ओ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर नेशनल एक्रेडेशन कंसिल की वो डिस्टिंगश कर पाए वेदर एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए कि नहीं या इट हैज़ बीन सेटअप ओनली फॉर द पर्पज ऑफ

रेदर एंड हैम्परिंग द इम्प्लीमेंटेशन रोल जो है एनजी ओ का की वो रेगुलेट करे एक इफेक्टिवली सिक्योर कंप्लायस विद यर लॉ इन अ फेयर ट्रांसपेरेंट एंड अ नॉन पार्टीजन मैनर फ्री फ्रॉम द पोलिटिकल इन्फ्लुएंस सो दिस आर द फ्यू वे फॉरवर्ड सजेस्टेड हीयर नाउ रिगार्डिंग द थर्ड न्यूज रेगुलेशन ऑफ अ बिग टेक कंपनी तो देयर आर अ मल्टी इन इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड वाइड गोइंग ऑन द अब्यूज़ ऑफ अनोपोलिस पावर बाय द बिग टेक फर्म लाइक फेसबुक एंड अ गूगल ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है रिगार्डिंग द अब्यूज ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर बाय द बिग टेक फर्म्स फेसबुक एंड अ गूगल एक्सेट्रा सो रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑल दो जो भी काफ़ी ज़्यादा जो जितने भी बड़े बिग टेक कंपनीज है स्टार्टेड इन यू एस एंड दे हैव इस्टेब्लिश अ ग्लोबल प्रेशर सॉरी दे हर एस्टेब्लिश अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड ऑल दो कंटिन्यू कर रहे एंड एक्सपांड करें उनका मार्केट ड्यू टू दे आर डोमिनस इन द टेक्नोलॉजी मार्केट जो बिग टेक कंपनीज़ हैं नॉट ओनली इन्फ्लुएस करते हैं इकोनॉमी को बट ऑल्सो टू द सोसाइटी एंड ये जो कंपनीज है आर शेपिंग द वे टूवर्ड्स द सोसाइटी इज इन प्रोग्रेसिंग एंड हाउ एवर इन द रिसेंट टाइम ऐसे दिखाई दिया है द माउंटिंग एविडेंस ऑफ अ स्प्रेड ऑफ अ हेट स्पीस मिस इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फ्रेंसी थीरीज वो इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है एंड दे अ द वेरियस इशूज़ जो अराइज हो रहे हैं रिगार्डिंग द एंटी ट्रस्ट केसेस जो बिल्ड हो रहे हैं एंड इन्वेस्टिगेशन अगेनेस्ट दैम कॉलिंग अपन द रोल एंड द रेगुलेशन ऑफ अ बिग टेक कंपनी टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी इज द इमर्जिंग सिस्टम सो दिस इज़ द रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ अ न्यूज़ तो यहाँ पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिस्कस किया है कि एक जो है एंटी ट्रस्ट केसेस इस्टेब्लिश कर रहा है तो एंट वॉट इज मिन बता एंटी ट्रस्ट केसेज और वॉट आर द लॉ रिगार्डिंग इट तो एंटी ट्रस्ट लॉज जो है आज दो सौ लॉज जो प्रिवेंट करते हैं कंपनीज को फॉर वर्किंग टुगेदर टू कंट्रोल करे प्राइज अनफेयरली एंड क्रिएट करे एक मोनोपोली इंडिया में एंटी इंटरेस्ट लॉ जो है द कॉम्पिटिशू कॉम्पिटिशन एक्ट दो हज़ार दो का है जहाँ पे फुल्ली विच वॉज फुली कंस्टिट्यूड इन टू थाउजेंड एंड नाइन रिप्लेस कर रिप्लेस uh, किया था उस टाइम पे मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव शेड प्रैक्टिस जो नाइनटीन सिक्सटी नाइन का एक्ट था कॉम्पिटिव एक्ट जो है कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो मॉनिटर करता है किसी भी टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दैट मोनोपलाइज द कॉम्पिटिशन विद इन द मार्केट एंड उसका मेन एम है कि वो प्रोटेक्ट करे कंज्यूमर को एंड अलॉन्ग विद दिस प्रोटेक्ट करे स्मॉल इनकम प्राइजेस को एंड इंश्योर करे एक फ्रीडम ऑफ अव ट्रेड कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका सेटअप दो हज़ार दो में किया गया था एंड इसका मेन एम था टू रेगुलेट करे एक एंटी कॉम्पिटिशन एक्टिविटीज़ इन द कंट्री अब यहाँ पे देखा जाए तो एक जो बिग टेक कंपनी है उनका दो दोनों ऑब्वियसली जो भी uh, किसी भी अगर हम देखा जाए ठीक है अगर कॉइन भी लेते हैं उसके भी दो साइड होते हैं उसी तरीके से हर एक पॉइंट का पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है और एक नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द रोल ऑफ अ बिग टेक कंपनी इन बोथ फ्रंट दैट इज़ पॉजिटिव रोल एंड द नेगेटिव रोल सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका पॉजिटिव रोल क्या है ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव रोल देखते हैं देन वी विल गो टू द नेगेटिव रोल सो रिगार्डिंग द पॉजिटिव रोल जो बिग टेक कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड करती है राइट ऑफ अ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है काफी ज़्यादा पीपल्स जो है ठीक है पावरफुल प्लेटफॉर्म जो बिग टेक कंपनी प्रोवाइड करती है उसके वजह से वो एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको सीक आउट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एस्पेशली अगर सोशल मीडिया कंपनीज देखी जाए फेसबुक एंड व्हाट्सअप हैव डेमॉन्स्ट्रेटेड कम्युनिकेशन वीकन कर दिया है द पावर ऑफ अ ट्रेडिशनल मीडिया टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन नेक्स्ट वन इज डोवर टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो बिग टेक कंपनी जो है ब्रॉड द डोवर स्टेप डिलीवरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेंज ऑफ गुड सर्विसेज एंड एंटरटेनमेंट जो कहीं ना कहीं इट मेड अ लाइफ पॉसिबल डूरिंग द कोविड नाइनटीन पैंडमिक नेक्स्ट इज अ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन इनोवेशन सो सुपरियर यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी बाय द बिग टेक कंपनीज एंड इनोवेशन अकॉर्डिंग टू द नीड प्रोवाइड करते एक डायवर्सिफिकेशन एंड इफिशियंस है इफिशियंसि टू द कंज्यूमर एंड दस दिस आर द फ्यू एक्सपेक्ट और द फ्यू पॉजिटिव पॉइंट रिगार्डिंग द बिग टेक कंपनी नाउ रिगार्डिंग द नेगेटिव रोल सो सबसे पहला नेगेटिव रोल आता है वो आता कि पावर विदाउट अकाउंटिबिलिटी तो बिग टेक कंपनी जो हैव बिन अकोमिलटेड वास्ट अनरे रेगुलेटेड पावर है उनमें कंट्रोल किया जाए कंट्रोलिंग द मीडिया एंड इकोनॉमिक पावर विदाउट एनी अकाउंटिबिलिटी जैसे एलिगेशन ऑन अ बिग टेक कंपनी की उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था इलेक्शन जो था यू एस का एंड यूरोप का सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल नेक्स्ट इज़ ए एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर तो ई कॉमर्स जो साइट्स है ठीक है तो बिग टेक कंपनी प्राइजिंग एंड प्रोमोटिंग द डिसीजन कैन बी मैनेज सबली टू फेवर सम मर्चेंट एंड देयर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट विच ब्रिक मिलियंस ऑफ अ स्मॉल मर्चेंट ठीक है तो ब्रिक जो बिग या बड़े मर्चेंट हैं ठीक है उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रमोट इस टाइप का डिसीजन इधर तो कहीं ना कहीं वो जो स्मॉल मर्चेंट है उनको उनके लिए वो पॉजिटिव पॉइंट नहीं है एंड दिस वुल ऑल्सो लीड एक्वेजेशन ऑफ अ स्मॉलर फास्ट कंपनी ग्रोइंग कंपनी दे आर बाय समिंग आउट द कॉम्पिटिशन बिफोर इट गेट अ चांस टू इस्टेब्लिश इट तो एग्जाम्पल है एक्विजिशन ऑफ व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम बाय द फेसबुक नेक्स्ट इन साइट पीब्लिक पब्लिक बिहेवियर तो बिग टेक कंपनी हैंडल करती है जो हैंडल करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि जैसे कि फेसबुक ट्विटर हैव द पावर टू मैनिपुलेट द नरेटिव स्प्रेड करे एक हेट स्पीच डिसइंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एंड देयर फोर इंसाइड करती है पब्लिक बिहेवियर को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल इज दैट जो सेंटर है उन्होंने रिसेंटली इशू किया था एक नोटिस टू द ट्विटर फॉर द ट्वीट विद इन द फार्मर्स जीनोसाइड हैंड टैग सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉटेंट नेगेटिव एस्पेक्ट द नेक्स्ट वन इज अ साइबर क्राइम द जो पोटेंशियल होता है इंटरनेट का एंड इट्स ऑफ शुड एज बिग टेक कि वो डिसिमिनेट करे एक पोटेंशियल हार्मफुल कंटेंट एंड साइबर क्राइम जैसे कि रूमर्स हो गया प्रोएक्टिव मैसेजेस एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी सो दिस आर द मेन एक्सपेक्ट जो साइबर क्राइम रिलेटेड स्प्रेड हो सकते हैं नेक्स्ट इज अ वोलेशन ऑफ अ प्राइवेसी इन द एब्सेंस ऑफ अ डाटा प्राइवेसी लॉ जो पर्सनल डाटा होता है ऑफ द यूजर इज़ हार्डनेस बाय दिस प्लेटफॉर्म विदाउट सीकिंग अ मीनिंगफुल कंसेंट ऑफ दिस यूज़र सो दिस आर द फ्यू नेगेटिव एक्सपेक्ट रिगार्डिंग अ बिग टेक कंपनीज नाउ इन द हाईलाइट ऑफ अर नेगेटिव रोल एंड द बिग टेक कंपनी अवर करंट लीगल एंड टेक्निकल फ्रेमवर्क जो हैज़ टू इवॉल्व की वो रेगुलेट कर पाए जो भी इमर्जिंग पावर्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द बिग टेक नाओ जो इशूज है इन रेगुलेटिंग द बिग टेक कंपनी वॉट आर द इशूज सबसे पहला है कि अनकोआर्डिनेटेड रेगुलेशन रेगुलेशन ग्लोबली ठीक है विद जोग्राफिकल रीच देर इज नो ग्लोबल मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट अकोमिडेट द डिफरेंट प्रायरिटीज ऑफ द कंट्रीज एंड दस दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो हैम्पर कर रहा है नेक्स्ट इज अ टैक्स अवॉयडेंस तो जो बिग टिक कंपनीज है आर एक्सप्लोर्टिंग गैप एंड मिसमैच अंडर द पेस इरोजन एंड अ प्रॉफिट शिफ्टिंग टैक्स रूल्स की वो अवॉइड करे पेइंग एनी टाइप ऑफ अ टैक्सेज For this government of India, jo hai, they have come up with the equalization leave to the tax digital transaction and the online advertisement by the non-resident company. So this is uh, tax avoidance factor is one of the issue. Next one issue is the absence of a data privacy law. So India doesn't have any personal type uh, personal data protection law. That prevent Any type ke big form companies, ko ki wo misuse kare people's ka personal data. Ko. Next is a no sovereign. कंट्रोल ओ ओवर द डाटा सो एज द डाटा इज द बिग टेक कंपनी मूव इजीली विथ नो बाउंड्रीज इट बिकम डिफिकल्ट कि वो क्लेम करें उनका कंट्रोल ओवर द डाटा सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग नो सोवर इन कंट्रोल ओवर द डाटा नेक्स्ट इज अ लीगल चैलेंज तो लीगल चैलेंज क्या है तो इंडिया के जो करंटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इज बिल्ड अराउंड द ऑफलाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ शेयर मार्केट शेयर विच लिमिट्स द रेगुलेशन ऑफ अ डिजिटल बिजनेस मॉडल ऑफ अ बिग टेक कंपनी सेक्शन सेवेंटी नाइन टू ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड करेंटली एग्जीम करता है ऑनलाइन इंटरमेड को कि वो फॉर्म करे लाइबिलिटीज फॉर एनी थर्ड पार्टी कंसेंट शेयरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म सो दिस आर द फ्यू नेगेटिव इशूज रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ अ रेगुलेटिंग द बिग टेक कंपनीज नाउ रेगुलेशन मेकानिज़म जो है इंडिया में रिगार्डिंग द बिग टेक कंपनीज तो यहाँ पे सबसे पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो गवर्न करता है किसी भी एक्टिविटीज़ को ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स एंड कवर करता है ऑल द इंटरमीडरीज जो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नेक्स्ट इज़ अ कंफर्मिंग ऑफ अ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट द पावर कि वो इशू कर सकते हैं डायरेक्शन नेक्स्ट एक्ट जो है वो है Of India, जो हेल्प करता है कि वो प्रमोट एंड इनेबल करे एक कॉम्पिटिशन कल्चर नेक्स्ट इज डिटरमाइन करे वेदर ऑफ जो टेक एंटिटीज होती है दे uh, है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिडोट फॉर्म टू इंश्योर डेट सच फॉर्म अ डोमिनेंट पोजिशन में फाइनली बी इवॉट नेक्स्ट इज अन्फोर्समेंट डायरेक्टरी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी जो है दे ऑल्सो लुक इन टू द एफ डी आई केसेज इन बिजनेस टू द कंज्यूमर एंटरप्राइजेस सो दिस आर द फ्यू रेगुलेशन मैकेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन इंडिया नाउ वॉट इज द वी अहेड सो वी अहेड इज दैट कि एक प्रॉपर सबसे पहले कि एक प्रॉपर रेगुलेशन लाना चाहिए ठीक है प्रॉपर फेयरली स्क्रूटेनाइज करना चाहिए एंड अलॉन्ग विद दिस टैक्सेशन तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज बेस्ड इन इंडिया टैक्स प्रॉपरली डाटा सिक्योरिटी तेर शिल बी नीड की इंश्योर करे जो डाटा है इट अप्रोप्रिएटली लोकलाइज किया जा रहा है ठीक है एंड दैट इंडिविजुअल आर प्रोवाइडिंग फुल प्राइवेसी प्रोटेक्शन इन इंडिया एक जॉइंट मिलिट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वर्किंग ऑन द डाटा प्रोटेक्शन बिल फॉर इवॉलिटिंग ऑल दिस इशूज डायनेमिक एंड अडेप्टेबल रेगुलेशन फ्रेमवर्क ठीक है तो रेगुलेशन फ्रेमवर्क मज भी इंक्रीगेट इंटीग्रेटेड होना चाहिए फ्लेक्सीबल होना चाहिए और डायनामिक होना चाहिए विद द न्यू चेंजेस जो इमर्ज हो रहे हैं इन द टेक्नोलॉजी फील्ड नेक्स्ट क्लोजिंग द लूफुल्स एंड द गैप्स तो नीड है कि हम क्लोज करें जितने भी गैप्स से रिगार्डिंग द लॉज जैसे कि टेलीग्राफ एक्ट हो गया टी आर ए आई एक्ट हो गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड वीरियस कॉम्पिटेशन एक्ट नेक्स्ट कॉपरेशन ऑफ टू फाइट द साइबर क्राइम तो कॉपरेशन बिटवीन द टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनीज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज within the countries and with other countries ki, oh, key okay so this is the important way forward given here now regarding the conclusion for the largest democracy and the digital nation like india there is imperative need to harmonize the regulation framework for regulating the big tech companies and and emerge as a true leader. So, this is the positive conclusion. the one point hai regarding the equalization. Liou, the purpose of the equalization uh, uh, is main aim to ensure fair competition, reasonableness, and access the availability of a government to tax the businesses they have choose uh, that has been closed in excess with the Indian market. टू द डिजिटल ऑपरेशन इंडिया में जो इक्वलाइजेशन लिवज है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था uh, को दो हज़ार मेंसेंट ऑफ अ पेमेंट जो रिसीव किया जाता है वाई द नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द इंडियन रेसिडेंट नेक्स्ट वन इज जो फाइनेंशियल एक्ट दो हजार बीस का था हेज़ एक्सपांड करदर एक्सपांड इन द स्कोप ऑफ इक्वलाइजेशन लिवस टू द नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेशन ऑपरेटर बाई इंट्रोड्यूसिंग लिव बाई टू परसन ठीक है इट विल केम इन टू इफेक्ट इट बिन केम इन टू इफेक्ट फ्राम फर्स्ट ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी और कुछ न्यूज है रिगार्डिंग दिस सो एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई है बाई द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव फाउंड दैट इंडिया की जो डिजिटल सर्विस टैक्स रिफर्ड है एट इक्वलाइजेशन लिवज इन इंडिया इज डिस्क्रिमिनेटेडी टू दू एस कंपनीज एंड सेक्शन हंड्रेड हंड्रेड एंड थ्री जो है ऑफ यू एस ट्रेड एक्ट एम्पावर करता है यू एस स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को कि वो करे इन्वेस्टिगेट करे और ट्रेड पार्टनर पॉलिसीज़ को सो नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट फाइंडिंग दैट जो इक्वलाइजेशन लीव है इज डिस्क्रिमिनेटिव बिकॉज इट अप्लाई ओनली टू द नॉन इंडियन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर यूएस कंपनी जो है दे हैव फेस एंड एडिशनल टैक्स बर्डन ड्यू टू दिस एंड लीव कंपोज करता है ए कॉपरेटिव टैक्स ऑन अ कंपनीज दैट डज नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया सो दिस आर द पॉइंट अभी इसका इंडिया इंडिया पर जो उन्होंने रिपोर्ट में बोला है ठीक है तो उसी के रिस्पॉन्स में इंडिया का क्या पॉइंट है तो इंडिया ने बोला है जो इक्वलाइजेशन लीवस हैं वो कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटली एंड ऑन द कंट्री सीक टू इंश्योर करे एक लेवल प्लेइंग फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द ई कॉमर्स एक्टिविटीज जो अंडरटेक किए जाते हैं फायर द एंटिटीज हुर रेसाइडिंग इन इंडिया एंड दोज हुर नॉट रेसाइडिंग इंडिया और नॉट है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया लिव कहीं ना कहीं डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेनस्ट एनी यू एस कंपनी एज इट इज इक्वली अप्लीकेबल है जितने भी नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स हैं उनके लिए ऑपरेटर के लिए एंड इट डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अपलिकेशन एंड इट इज अपलिकेबल ओनली इन द रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम इंडिया एंड जो इक्वलाइजेशन है हैल्सो इट हैज सीन एडिशनल सेफ गार्ड अगेनेस द बेस इरोजन एंड द प्रॉफिट शिफ्टिंग मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट दैट इज इंटरनेट शट डाउन तो एज पर द रिसेंट रिपोर्ट बाय द यूके बेस्ड प्राइवेसी सिक्यूरिटी रिसर्च फॉर्म टॉप ट वी पी एन इंटरनेट शटडाउन जो है इन ट्वेंटी ट्वेंटी कॉस इंडिया टू पॉइंट एट बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट टोटल लॉस बिलियन डॉलर ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमी तो व्हाट आर द की फाइंडिंग इन दिस रिपोर्ट तो इसमें पता चला है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ऑफ इंटरनेट शट डाउन एज सीन इन द इंडिया वो डबल हो गया है मोर दैन अ डबल द कम्बाइंड कॉस फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी कंट्रीज इन द लिस्ट इंडिया कंटिन्यू टू रेस्टिक जो दिखाई देता है रिगार्डिंग द इंटरनेट एक्सेस मोर दैन एनी कंट्री ठीक है सेवेंटी फाइव टाइम जो है इंटरनेट शटडाउन हुआ है इन द वेस पॉट ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है जो सेपरेट मैंशन किया गया है ऑफ अ एक्सटेंडेड कर्ब ऑफ अ इंटरनेट यूज़ इन द कश्मीर एंड Restriction has a negative impact for the distribution of a medicines, businesses, and the schools. So these are the uh, key findings which report may pata chale. So what is regarding the internet shutdown? Some information regarding internet shutdown. So report, ke according internet shutdown, an intentional disturbance hota hai of internet or the electronic communication for a specific population or the location to intend uh, to extend a control over the flow of information, and it is mainly caused. इट कैन बी कॉज ठीक है तो इंटरनेट शटडाउन के वजह से इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है वेयर एक्सेस ऑफ इंटरनेट कंप्लीटली कट ऑफ हो सकता है सेकेंड सोशल मीडिया शटडाउन जैसे कि पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स से फेसबुक व्हाट्सअप वो ब्लॉक हो सकते हैं नेक्स्ट इज डो ट्रो टोटली वेयर एक्सेस ऑफ इंटरनेट जो है इज रिड्यूस टू टू जी स्पीच इंटरनेट शट डाउन जो है नेशनल लेवल जहाँ पे यूजर जो है अक्रॉस द एंटायर कंट्री वो इनेबल होते हैं टू एक्सेस इंटरनेट, और एट दब सब नेशनल लेवल दैट इज लोकल लेवल पे होते हैं पर्टिकुलर एरिया में सो दिस इज रिगार्डिंग द इंटरनेट शट डाउन कुछ प्रोविजन अगर देखे जाए रिगार्डिंग इंटरनेट शट डाउन तो बिफोर टू थाउजेंड एंड सेवनटीन जो सेक्शन फोर थे जस्ट आई विल चेंज द कलर जो सेक्शन वन फोर्टी फोर था ऑफ सी आर पी सी बार एज अ बार दसेंबली ऑफ अ फाइव और अ मोर पीपल इन दैट एरिया एंड टेलीग्राफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है एटीन एटी फाइव ये दोनों के अकॉर्डिंग जो है बिफोर ट्वेंटी सेवनटीन रन करता था रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ इंटरनेट शटडाउन हु कैन ऑर्डर सो जो डी एम होते हैं या एस डी एम होते हैं और एनी एग, आ, एडिशनल जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, होते हैं वो एम्पावर्ड होते हैं स्टेट में ठीक है कि दे कैन ऑर्डर सच टाइप ऑफ डिसीजन एंड डूरेशन ऑफ अब शट डाउन होता है सेक्शन वन फो वन फोर फोर नॉट मोर दैन टू मंथ्स और अप टू सिक्स मंथ एक्सटेंडेड बाई द स्टेट एंड आफ्टर टू थाउजेंड एंड सवेंटीन टेम्प्ररी सस्पेंशन ऑफ्लिक सर्विसेस पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स जो है ट्वेंटी सेवनटीन के द न्यू रूल्स बाय द अमेंडमेंट सेक्शन सेवन ऑफ इंडियन टेलीग्राफी एक्ट टेलीग्राफ एक्ट एटीन एटी फाइव उसमें मैंशन किया गया है डिस्पिट टू थाउजेंड एंड सेवनटीन रूल्स गवर्नमेंट जो हैल्सो ऑफन यूज द ब्रॉड पावर अंडर द एक्शन अंडर द सेक्शन 144 फोर्टी फोर ऑफ अ सी आर पी सी एंड इसका ऑर्डर कौन दे सकता है जो होम सेक्रेटरी होते हैं होम सेक्रेटरी ऑफ अ यूनियन और एनी स्टेट कैन पास कर सकते हैं एक ऑर्डर एंड इफ अन अवॉर्डेबल सरकमटेसेस आते हैं देन द ऑर्डर जो है कैन बी इशूड बाई एनी ऑफिसर ऑफ अ रैंक ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी और अबाउ द ऑथोरिटी बाई द सेंटर स्टेट होम सेक्रेटरी ठीक है तो इसका जो है कितने टाइम तक रह सकता है तो अंडर दिस uh, जो सस्पेंशन होता है ऑफ अ टेलीग्राम सर्विसेज अमेंडमेंट रूल ट्वेंटी ट्वेंटी ऑर्डर सस्पेंड कर सकते हैं टेलीकम्यशन और इंटरनेट सर्विसेज को शल नॉट बी ऑपरेटेड मोर देन फिफ्टीन डेज सो दिस आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द इंटरनेट शटडाउन सो अदर प्रोविजन अगर देखा जाए इंटरनेट शट के रिलेटेड तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट है टू थाउजेंड एट का सेक्शन सिक्सटी नाइन ए वो पावर देता है गवर्नमेंट को टू पावर द ब्लॉक पर्टिकुलरली वेबसाइट नॉट द इंटरनेट एज द होल तो रिव्यू कमेटी अगर देखी जाए तो दो पार्ट में है दैट इज एट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल तो एट द सेंट्रल लेवल इट कंप्राइज ऑफ अ कैबिनेट सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर एंड अ टेलीकम्युनिकेशन एट द स्टेट लेवल देखा जाए तो कंपेयर इट कंप्राइज चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी लॉ और द लीगल रिमेंबरेंस इंचार्ज लीगल अफेयर एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सो दिस आर द रिव्यू कमिटी रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन वॉट आर द वॉट आर द ट ऑफ आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इंटरनेट शटडाउन सो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट अगर देखा जाए तो वो है रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ अट स्पीच सो रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ हेट स्पीच ऑफिशियल ऑफिशियल रैशनल है ऑफ अटिंग शटडाउन इंक्लूड करता है कि कॉम्बैक कर पाए हम फेक न्यूज़ को जो फेक हेट स्पीच रिलीज हो रहे हैं ठीक है पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर कर पाए एक मेन पॉइंट हो गया नेक्स्ट है एक पब्लिक पीस को इंश्योर करे और स्टेबिलिटी लाए ठीक है जो भी रीज़न में किस टाइप की एक जो सिचुएशन जो है एक अच्छी नहीं है ठीक है तो उसी प्लेस में ठीक है जो है इंटरनेट शटडाउन लाया जाता है तो कि इंश्योर कर पाए पब्लिक पीस और एक पब्लिक स्टेबिलिटी को गवर्नमेंट आर फेस विद द सेवरल चैलेंजेस सिचुएशन विच मे थ्री टन थ्रू द पब्लिक ऑर्डर एंडनल सिक्योरिटी एंड दस टू एनश्योर द पीस एंड द स्टेबिलिटी इंटरनेट शट डाउन हैज़ बिन टेकन प्लेस इन वेरियस रीजन एंड अवॉयबल डिस्टर्बेटिव रूल ठीक है एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसा आती है जहाँ पे रूमर्स फैलते हैं थ्रू द वाट्सअप या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्लेइंग स्टार्ट प्लेइंग अ डिस्क्रिप्टिव रोल एंड दस इंटरनेट शटडाउन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है उस टाइम पे कुछ पॉइंट्स देखे जाए विच आर अगेन्स्ट द इंटरनेट शटडाउन तो सबसे पहला इंटरनेट शटडाउन का पॉइंट अगर देखा जाए वो है वॉयेशन ऑफ अन राइट तो इंटरनेट शटडाउन जो है अटैक करता है सिविल लिबर्टीज को एंड कंस्टिट्यूशनल राइट ऑफ द सिटीजन एंड नॉट ओनली करप करता है डिसेंट बट ऑल्सो गवर्नमेंट एक्सेस कंट्रोल ओवर द डिसिमिनेशन ऑफ अ इंफॉमेशन इकोनॉमिक कॉस्ट जो रिपोर्ट में पता ही चली थी कि काफ़ी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ है इंटरनेट शटडाउन इंडिया में दिखाई दिया फेल ऑफ फेल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव देर इज नो कंक्लूजिव एविडेंस शोइंग दैट इंटरनेट शटडाउन लीड टू द मेटेनेस और रिस्टोरिंग ऑफ अ पब्लिक ऑर्डर एंड नेक्स्ट इज अ सोशल कॉस्ट ठीक है तो फंडामेंटल सर्विसेज जैसे एजुकेशन हेल्थ केयर एक्सेट्रा आर ऑल्सो लिंक टू द इंटरनेट एंड दस ड्यू टू दर शटड सोशल कॉस्ट पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट होता है सो दिस आर द फ्यू आर्ग्यूमेंट अगेनेस्ट द इंटरनेट शटडाउन नाउ जजमेंट रिलेटेड टू द इंटरनेट शट डाउन इन इंडिया सो टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी ट्वेंटी इन जनवरी सुप्रीम कोर्ट वाइल रनिंग ऑन जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेट शट डाउन दे है मेरा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो इंटरनेट शटडाउन है वो टेम्प्रेरी पीरियड तक होना चाहिए बट नॉट द इन डेफिनेट पीरियड गवर्नमेंट जो है टू पब्लिश ऑल द ऑर्डर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन अंडर द सेक्शन 144 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इस इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो मैंशन किया गया है आर्टिकल नंबर नाइनटीन क्लॉज वन सब क्लॉज ए में एंड जो कोर्ट है दे शुड ऑल्सो सेट दैट इनी ऑर्डर विच रिगार्ड टू द इंटरनेट शटडाउन विल कम अंडर द जुडिशियल स्क्रूटनी एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है थ्रू द इंटरनेट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सो दिस आर द फ्यू जजमेंट रिलेटेड टू द इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया वॉट इज़ द वे फॉरवर्ड तो वे फॉरवर्ड इज़ दैट तो गवर्नमेंट जो है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसज टू एड्रेस द इशूज एंड प्रायोरिटाइज करना चाहिए अल्टरनेटिव मेजर्स रिगार्डिंग द इंटरनेट शट डाउन गवर्नमेंट नीड टू सी द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो इंटरनेट शट डाउन की वजह से दिखाई देते हैं एक वेंचर कैपिटल एंड इन्वेस्टर जो है शुल इंकॉपरेट इंटरनेट शट डाउन एज पार्ट ऑफ रिक्स असमेंट एंड जितने भी गवर्नमेंट्स हैं शुल डोमेंट द रीज़न टाइम एंड अल्टरनेटिव कंसिडरिंग डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी एंड द रूल्स अंडर द शट डाउन एंड वे आर जहाँ पे इम्पोज एंड रिलीज किया जाता है डॉक्यूमेंट फॉर द पब्लिक स्क्रूटनी सो दिस आर द फ्यू वे फॉरवर्ड सजेस्टेड नेक्स्ट इज असल ब्लोइंग तो रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑल कॉपरेटिव दे आर इंकरेज कॉपरेटिव टू इंकरेज द विसल ब्लोइंग मेकनिज्म एंड प्रोवाइड कर एक एडुकेट सेफ गार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ विसल ब्लोअर वॉट इज मीन बाय द विसल ब्लोइंग विसल ब्लोइंग जो है इट इज़ अ एक्ट ऑफ ड्राइंग अटेंशन ऑफ अ पब्लिक फिगर ऑफ द पब्लिक अटेंशन ऑफ अथॉरिटी फिगर अथॉरिटी फिगर और अ पब्लिक टू प्रिस्यूट रॉन्ग डूइंग मिसकंडक्ट करप्शन फ्रॉड अन एक्टिविटीज़ विद विद्लिक विद इन द पब्लिक प्राइवेट और द थर्ड सेक्टर कंपनी ठीक है तो किसी भी टाइप से जो है टू एक्ट अटेंशन ऑफ एन ऑथोरिटी फिगर और द पब्लिक रिगार्डिंग किसी भी टाइप का जो रॉन्ग डूइंग हो रहा है मिसकंडक्ट करप्शन हो रहा है उस पर ठीक है तो उसको हम बोलते हैं ब्लोइंग एंड इन रिस्पेक्ट टू द वेसल ब्लोइंग कैन बी अ करंट और द फॉर्मर एम्प्लॉय डिरेक्टर ऑफिसर हो या कंपनी का सेक्रेटरी हो और एनी वन ठीक है एंड जो विसल ब्लोअर्स है ऑफ एन फीस अ रिसिपल फ्रॉम देअर एम्प्लॉयर हु सफ़र मिनी रेपुटेशन डैमेज एज द रिजल्ट ऑफ अ विसल बींग ब्लोड एंड आज द पॉइंट रिगार्डिंग द वसल ब्लोइंग यहाँ पे और दो पॉइंट है दैट इज अनविलिंगनेस ड्यू टू द एलिनेशन तो विसल ब्लोइंग uh, जो है मे फेस एलिनेशन हॉस्टिलिटी रिसेंटमेंट एंड हरासमेंट एंडलेशन सॉरी इंसोलेशन ऑफ अ वर्क फॉर अ पीर एंड अ सुपेरियर नेक्स्ट फियर ऑफ अ रिटाइलिएशन डेट मदर एंड द रिक्स ऑफ अर फैमिली सो जैसे कि सत्येंद्र दुबे के केस में हुआ था एंड ललित मिश्रा के केस में हुआ था सो दिस आर द फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग द विल ब्लूइंग तो विसल ब्लूइंग किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है तो so, एक लिमिटेड रिक्स एंड पोटेंशियल डैमेज जो होता है टू द एम्प्लॉयर कॉज ड्यू टू द माइल प्रैक्टिस फॉड एंड नेक्स्ट इज अ कमिटेड जो कम्यूटेड टूवर्ड आइडेंटिफाइंग एंड रेमेडी रॉन्ग डूइंग एंड एनक्रेज कर सकता है स्टाफ को कि वो कम्युनेट करे इस टाइप के कंसेंसेज को एंड प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉग वर्क प्लेस मेकेानिज़म एंड जनरेट करता है अवेयरनेस इन द सोसाइटी विसल ब्लोइंग कैन ब्लो अ लीड ऑफ कॉपरेट एंड अ फाइनेंशियल स्कैम एंड विसल ब्लोइंग मेकानिज़म इंडिया में किस तरीके से रन होता है तो विशल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट टू थाउजेंड एंड फोर्टीन है ये जो प्रोवाइड करता है Protection of a harassment of a people uh, making disclosure of a corruption willfully misuse the power or arbitrary use of a discretion of any type of a power by any public servant, are uh, beside keeping the identity of a whistleblowing secure. This is broad definition of a whistleblower. And the person who may make a public interest disclosure to competent authority, even if they are prohibited under the Official Secret Act 1923. and जो ये विसल ब्लोइंग एक्ट ट्वेंटी फोर्टीन है इट इज़ नॉट अपलाइकेबल टू द आर्म फोर्सेज इन द यूनियन डिस्क्लोजर जो होता है मे बी मेड इन द रिटर्न फॉर्म और बाय द ई मेल एंड जो पर्सन है एनी पर्सन एग्रव्ड बाई एनी ऑर्डर ऑफ द कंपेटेंट ऑथॉरिटी मे प्रिवेल अपील टू द हाई कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ अ सिक्सटी डेज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन जो है और एनी पब्लिक सर्वेंट

इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन ठीक है इसमें क्या होता है इसमें रिवॉर्ड दिया जाता है टू रिवॉर्ड द विसल ब्लोअर एंड इंसाइडर जो ट्रेडिंग रेफर करता है टू द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी वाइल प्रोसेसिंग द अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉमेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर सिक्योरिटी नेक्स्ट इज अ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड एंड थर्टीन ये मैंडेट करता है इट मेक अ मैंडेटरी फॉर द एंटिटी कि वो लिस्ट करे ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टू सेट अप द ऑथोरिटी कंपनी ऑडिट कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द विसल कंप्लेन सो दिस आर द फ्यू रेगुलेशन जो इंडिया में है फॉर द विसल बोइंग मेकेनिज्म नाउ इथिकल परस्पेक्टिव अगर देखा जाए विसल ब्लूइंग का रिलेटेड तो दियर हैज़ बीन वेरियस इथिकल इशूज जो इन्वॉल्व होते हैं इन द विसल ब्लूइंग सबसे पहला है कि बींग अ डिसलॉयल टूवर ऑर्गेनाइजेशन एंड से शेयर करना नॉलेज ऑफ अ रॉन्ग डूइंग नेक्स्ट इज अ मॉरल कमिटमेंट एंड थर्ड वन इज अ गेनिंग मिसट्रस्ट ऑफ इट फेलो वर्कर नेक्स्ट दो मॉरल वैल्यूज आते हैं दैट इज़ फेयरनेस एंड अ लॉयल्टी इन टू द कॉन्फ्लिक्ट टेकिंग टू द एक्सट्रीम फ्रॉम द लॉयल्टी ब्लोइंग जो है विसिल वो इन्वॉल्व कर सकता है एक एग्नोइंग कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टेन फॉर एग्जाम्पल इफलेट कर इन्वॉल्व वॉयलेशन ऑफ अ ट्रस्ट फ्रॉम द को वर्कर्स हु आर एंगेजिंग इन द रॉन्ग डूइंग और अ जियो पार वन टीम प्लेयर स्टेटस नेक्स्ट विद वाइल लॉयल्टी जो है एज अ इथिकल वैल्यू शुड नेवर बी प्लेस बिफोर द वन इथिकल ऑब्लीगेशन टू द एक्ट रिस्पॉन्सिबल एंड टू बी अकाउंटेबल ठीक है सो दिस आर द फ्यू इथिकल पर्स्पेक्टिव ऑफ अ विसल ब्लूइंग नाउ विद गैप ऑफ अ विसल ब्लूइंग मेकानिज्म पहला गैप है दैट इज इशू विद द विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट टू थाउजेंड एंड फोर्टीन जहाँ पे क्या मैंशन है देर इज बीन अ डिले इन ऑपरेशन ऑफ अ विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट ड्यू टू विच कुछ जो पर्सनस हैज़ बीन विक्टमाइज ऑसल्ड और

कोऑपरेटिव और द प्राइवेट इंडिविजुअल जो अबेंस ऑफ होलिस्टिक लॉ क्लैरिफाइज करता है ऑल वेगनेस विद द इस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म विच इज अ मेजर वे ऑफ अचीविंग अफिशियंट कॉपरेटिव गवर्नेंस लैक ऑफ अ ट्रस्ट होता है इन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंड नो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन सो धिस आर द फ्यू मेजर कंसर्न और मेजर गैप जो विसल ब्लोइंग मेकेनिज्म के यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं एंड वॉट इज द कंक्लूजन एव वन हैव इंग प्रोटेक्शन ऑफ असल ब्रोइंग थ्रेड टू दियर स्टिल स्टिल रिमेंस दे विच रिक्वायर्ड फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेशन एंड कंपनशेशन एंड रेमिडीज फॉर द एग्रेव विसल ब्लोअर सो दिस इज द पॉजिटिव कंक्लूजन दैट वी हैव गेट सो इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टूडेज न्यू सेक्शन जहाँ पर हमने जो है पूरा कंप्लीटली पॉलिटी का जो सेक्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन को कंप्लीट कर दिया है सो थैंक यू टेक केयर